सिरमौर का रहने वाला एक युवक तापेंद्र ने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की जिद पकड़ ली है। मोदी से मिलने का जुनून उसके सिर पर इस कदर हावी हो चुका है कि जब तक नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वह उनका नाम कॉपियों पर लिखता रहेगा। इस बात की कसम तपेंद्र ने खा रखी है। नरेंद्र मोदी से मिलने का सपना तपेंद्र द्वारा आज से 3 वर्ष पहले देखा गया था। बस तभी से तपेंद्र कॉपियों में जैसे लोग राम का नाम लिखते हैं वैसे मोदी मोदी का नाम उस पर लिख रहा है। 3 साल से वे मोदी के अब तक 1,00,000 बार से भी अधिक ज्यादा बार नाम लिख चुका है। शुरुआत में गांववासी उसे सनकी और पागल कहते थे लेकिन तपेंद्र ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और वे अपनी धुन में लगा रहा। धीरे धीरे अब लोग उसकी भावनाओं का सम्मान करने लगे हैं। यही नहीं तपेंद्र मोदी की तस्वीर कहीं अखबार और किसी जगह देखता है तो उसको भी वह तुरंत उठा लेता है, अपने पास रख लेता है। तपेंद्र के पास अच्छा खासा मोदी की तस्वीरों का संग्रह भी हो गया है। तपेंद्र ने बताया कि वो देश के प्रधानमंत्री की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं, इसलिए वे अपने जीवन में उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। जब तक वे उनसे नहीं मिलते हैं तब तक वे कॉपियों पर उनका नाम इसी तरह लिखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ये जुनून देखकर लोग पहले तो उन्हें छेड़ते थे, मजाक करते थे, लेकिन अब गांववासी उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं। यहां तक कि अब वे उन्हें सिरमौर के मोदी के नाम से भी बुलाते हैं। तपेंद्र ने कहा कि वे अपने आप को नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। सर नमस्कार जी, मेरा नाम तपेंद्र सिंह है और मैं जिला सिरमौर गांव नौराधार से आया हूं सर। और शौक तो सर मेरा, वैसे मैं मोदी जी के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं मैं उसको लिख के सर प्रकट करता हूं और उनका जो नाम है वो हर दिन मैं अपनी कॉपियों पे लिखता रहता हूं सर। तो जब मैं शुरू में मिला था सर तो उस समय 25,000 के आसपास जो नाम थे वो लिखे थे मैंने, पर आज सर मैं जो नाम लिख चुका हूँ ये 1,00,000 से ऊपर के नाम है सर जो मैं लिख चुका हूँ, और ये इसी तरह लगातार सर बढ़ते रहेंगे जब तक मैं मोदी जी से नहीं मिल पाता। हाँ सर, मोदी जी से मिलना ही है और सर बाकी मैं उनको अपने जीवन में मेरे आदर्श है वो सर। किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है सर, तो मेरी मेहनत ये है सर मैं जो कर रहा हूँ, और सर मुझे आशा है कि मैं शायद इसके ज़रिए मिल पाऊँ सर जीवन में कभी ना कभी। कि अब लोग पागल तो नहीं बोलते हैं, पर यह है कि पिछली बार से जो लोगों ने देखा कि मोदी जी के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, लोग मुझसे मिलने आए, लोगों ने देखा मेरे गांव में, तो अब लोग पागल तो नहीं बोलते हैं सर, पर यह है कि लोगों का थोड़ा सा नज़रिया बदल गया है कि नहीं इसके मन में जो है वो सद्भावना है और सच्चे मन से जो कार्य कर रहा है वो ये है। अब तो मोदी भक्त बोलते हैं सर, कोई मोदी बुलाता है सर मुझे। सर हाँ सर, कुछ लोग गाँव में बाज़ार में जहाँ पर मैं रहता हूँ सर वहाँ पर मोदी कहकर बोलते हैं या मोदी भक्त कहकर बोलते हैं सर, ऐसा है। सर खुशी तो मिलती है सर, ये तो दिखती सी बात है कि जिस चीज़ के लिए मेहनत की है अगर लोग उसी से आपको प्रेरित करेंगे या उसे पुकारेंगे तो खुशी तो मिलेगी सर। नहीं सर, ऐसा है कि हर व्यक्ति की अब अपनी भावना है सर, अब मेरी उनके प्रति सद्भावना है तो मैं उनके प्रति सद्भावना ही रखूँगा। कुछ लोगों का अगर बुरा उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं मोदी जी जो फैसले लेते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उस पर सर टिप्पणी तो होती रहती है सर, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि वैसे ये देश के गौरव है सर, देश का सम्मान है सर इनसे, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री है तो हर व्यक्ति का फ़र्ज बनता है कि इनके प्रति अच्छे विचार या ये अपनी भावनाएँ जो प्रकट करें। पर ये सर चलता रहता है सर, तकरीबन थोड़ा मन मिटाओ कि भाई ऐसे है सरकार ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया, ये सब सर तो झेलना पड़ता है सर। अगर तो समय तो सर ऐसा ही है, मैं पेशे से सर वैसे हेयर ड्रेसर हूँ, दुकान है मेरी, तो सर जो शाम को समय मिलता है तो लिख लेता हूँ सर। अगर दिन में भी समय मिल गया, मेरे पास रजिस्टर अपनी बैग में ही रहता है, तो दिन में अगर समय मिल गया तो तब भी लिख लेता हूँ सर।